ओम शांति। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, इसके अंतर्गत हम राजयोगा मेडिटेशन कोर्स का शुभारंभ यहाँ पर कर रहे हैं। अनुषी जी मेडिटेशन सेंटर और साइबर में मधुबन गीता पाठशाला की ओर से ये कोर्स होने जा रहा है। इसका शुभारंभ अनुषी हॉस्पिटल के नर्सिंग स्कूल के आदरणीय प्रिंसिपल सर इनके हाथों होगा। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। जैसी आत्मा रूपी बैटरी
डिस्चार्ज हो जाती है, वैसा युग परिवर्तन होता है। जैसे हम परमधाम घर में थे तो परमात्मा के साथ थे, तो बैटरी कितनी चार्ज थी 100%, आत्मरूपी बैटरी 100% चार्ज थी। और जैसे वहां से हम इस सृष्टि रंगमंच पर आए तो पहले युग में भी बैटरी चार्ज थी, यूज तो किया हमने बैटरी को लेकिन चार्ज ही थी। त्रेता में क्या हो गया, और कम हो गई। द्वापर में क्या हुआ, और बैटरी कम हो गई। और कलयुग में करीब करीब बैटरी डिस्चार्ज हो गई। क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। तो कलयुग में जितनी भी आत्माएं हैं, मेजोरिटी आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज है। कलयुग के मेजोरिटी आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज है, इसीलिए वो केवल मांगते भी नहीं तो छीन कर लेते हैं। इसलिए देखो, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, झगड़े, खून खराबा, आत्महत्या, एक्सीडेंट, ये सारी बातें दिन ब दिन बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। लेकिन ये राजयोग सीखा कर भगवान ने हमें सिखाया है कि आत्मरूपी बैटरी को कैसा चार्ज करना है ना। हमने सीखा कि मैं आत्मा हूँ, जब मैं आत्मा बन परमधाम कर मन और बुद्धि से जाकर परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ती हूँ तो मेरी आत्मरूपी बैटरी चार्ज होने लगती है। तो चार्ज किसकी बैटरी हो गई, जिन्होंने राजयोग सीखा उन आत्माओं की बैटरी चार्ज हो रही है। और बाकी जो कलयुग में है उनकी बैटरी चार्ज होगी क्या, नहीं होगी। उनकी बैटरी ऑलरेडी डिस्चार्ज है, वो चार्ज भी नहीं हो रही है। तो उनसे जो हम अपेक्षा करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं, ये हमेशा सुख देंगे, ये मुझे प्यार देंगे, ये मुझे खुशी देंगे, ये मुझे शांति देंगे, ये मुझे शक्ति देंगे। ये अपेक्षा करना सही है या गलत है।
विद्यार्थी कुशरी विजय. आई एम सेकेंड इयर GNM स्टूडेंट ऑफ आनंद ऋषि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज. मेडिटेशन करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ. उसकी वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत बढ़ गया है. आज 5 दिन पूरे कंप्लीट हुई है मेडिटेशन कोर्स के. डॉक्टर सुधा कांगरिया दाई मैम ने मुझे बहुत अच्छा तरह से मेडिटेशन कैसे करना है वो भी बहुत अच्छे तरह से बता दिया है. मेडिटेशन के द्वारा मेरा मन शांत हुआ है और मैं कौन सा भी डिसीजन अब शांत और पूरे विचार से करती हूँ. हम वैसा सोचते हैं वैसा कर भी सकते हैं, ऐसे मेडिटेशन से द्वारा मुझे सिखाया गया है. मेडिटेशन द्वारा हम पेशेंट को भी अच्छे तरह से ट्रीट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, पेशेंट को क्या तकलीफ है वो हम जान सकते हैं. पेशेंट की जो तो तकलीफ है वो हम समझेंगे तभी उनको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. अगर हम शांत और पूरी तरह से एक पेशेंट को ट्रीट करेंगे तभी उनको फ़ायदा हो सकता है. मेडिटेशन द्वारा बहुत मुझे सहन शक्ति और बहुत आत्मविश्वास मिला है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही है. इसके पहले मुझे इसे कभी नहीं महसूस हुआ पर मेडिटेशन कोर्स के द्वारा मुझे बहुत अच्छे तरह महसूस हुआ है और शांत हो गई. मेडिटेशन सचमुच थैंक यू सो मच मेडिटेशन कि मुझे ऐसा अच्छा और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैं कौन सा भी डिसीजन लूँ तो एक परफेक्ट और अच्छा डिसीजन ले सकती हूँ. और डॉक्टर सुधा कांकरिया मैम का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मेडिटेशन कोर्स में मौजूद किया. थैंक यू सो मच. मैं सिर प्रियंका सखाराम सोनवाड़े, आई एम सेकेंड ईयर GNM स्टूडेंट ऑफ आनंद ऋषि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग. आई एम वर्किंग एज अ स्टूडेंट इन आनंद ऋषि हॉस्पिटल. व्हाइल सीइंग एनी पेशेंट इन इमरजेंसी इनिशियली आई वॉज पैनिक आफ्टर सीइंग दैट पेशेंट, बट आफ्टर डूइंग दिस मेडिटेशन माय कंडीशन इज चेंज. आफ्टर सीइंग द पेशेंट नाउ आई डोंट गेट पैनिक एंड आफ्टर सीइंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट नाउ आई ट्रीट द पेशेंट इन वेरी काम एंड साइलेंट मैनर. मेडिटेशन इज द की ऑफ successful, healthier and wealthier life. So everyone has to do the meditation in our daily life. Everyone has to do that meditation in a day 3 times. After doing that meditation, I feel that my willpower is also is being increased. It's being increased after doing that meditation. We can increase our willpower in effective manner it is very helpful to us. So everyone has to do meditation. Thank you. मी साक्षर स्वरूपीना काही गेल्या दिवसांपासून माझा स्वभाव असा आहे की मी चिडचिड जास्त करायची, पहिल्यापासून राग जास्त करायची. कुठल्या गोष्टीचं थोडं काही झालं का राग व्हायचं, मोठ्याने ओरडायचे. तर गेल्या 5 दिवसांपासून मी ज्या या कोर्समध्ये राजयोगा मेडिटेशन जो कोर्स करते त्यामध्ये खूप माझ्यामध्ये स्वतःमध्ये खूप चेंजेस झाले. म्हणजे ज्या वेळेस पहिल्यांदा पेशंट हॉस्पिटलमध्ये जायचे, आमच्या नर्सिंग कोर्समध्ये ज्या वेळेस पेशंटची हिस्ट्री घ्यावी लागते तर आम्ही काय क्वेश्चन विचारतो पेशंटला, तर ते आम्ही जे विचारतो त्याच्यावर उलट ज्या वेळेस उत्तर द्यायचे त्यावेळेस मी भरपूर पॅनिक व्हायचे, मला राग यायचं त्यावेळेस की मी यांना असं प्रश्न विचारते नाही मला असं उत्तर देत आहे. तर आता तो जो मी राग करायचे तो कुठेतरी शांत झाला आहे, म्हणजे हा माझ्यात कुठेतरी पॉझिटिव्ह चेंज झाला आहे. किंवा मग मी पहिले जे मी कॉलेजवरून गेल्यानंतर मम्मीचा कॉल यायचा बघ काय करते, तर मग मी मम्मीवर चिडायची की तुला कळत नाही का मी आत्ताच आले कॉलेजवरून, मी थकलेली लगेच कॉल केला तसं आत्ता होत नाही. तर मग मम्मीने पण विचारलं की हा बाबा एवढा बदल कसं झाला तुझ्यामध्ये, तर मी पण तिला सांगितलं की मी 5 दिवसांपासून मी या कोर्समध्ये जाते की त्यांनी समाजामध्ये पॉझिटिव्ह चेंज झाला आहे. तर मला असे काही छोटे छोटे चेंजेस या कोर्समुळे अनुभवायला मिळाले, स्वतःमध्ये बदल दिसले आणि ते माझ्या स्वतःसाठी पण खूप फायदेशीर आहे, माझ्या आत्तासाठी म्हणजे वर्तमान काळासाठी पण फायदेशीर आहे आणि भविष्यासाठी पण फायदेशीर आहे. आणि असंच आत्ता हे छोटे छोटे बदल दिसत आहेत, अजून पण मला या पुढचे पण बदल अनुभवायचे आहेत आणि म्हणून मी रोज मेडिटेशन कोर्स हा कंटिन्यू करणार दिवसातून 3 दिवस. मी स्वतःसाठी वेळ काढून या कोर्सचा पूर्णपणे फायदा घेणार. आणि हे कोर्स आम्हाला भेटला कोणामुळे तर डॉक्टर कांगरिया मॅडमकडून हा कोर्स भेटला, तर त्यांना मी खूप आभार मानते की
त्यांनी आम्हाला या कोर्सची माहिती दिली. कारण याआधी अशी माहिती किंवा मग असं काय असतं की बाबा मेडिटेशन केल्यामुळे आपलं टेन्शन राग मन शांत होतं असं काही माहीत नव्हतं. तर त्यांना त्यांचं मी खूप खूप आभार मानते. मिसेस एस्टेल तेलगुने वर्किंग इन अंडोशीजी इन्स्टिट्यूशन ऑफ नर्सिंग ॲज अ व्हाईस प्रिन्सिपल पोस्ट. अँड रिली आय एम थँकफुल टू मॅम डॉक्टर सुधा कांकरिया बिकॉज शी हॅज टेकन मोर वॅल्युएबल टाईम टू टीच अवर फर्स्ट इयर अँड सेकंड इयर स्टुडंट्स. अँड रिली अवर स्टुडंट्स इज रिली बेनिफिट विथ दॅट बिकॉज वी हॅव सीन द ऑलवेज द स्टुडंट्स विल बी इन टेन्स कंडिशन बिकॉज वर्किंग इन द क्लिनिकल साईड ॲज फर ॲज इन द क्लास ऑल्सो दे गेट द डिस्टर्बन्स बिकॉज दिस इज द व्हेरी यंग स्टेज अँड इफ वी करेक्ट द स्टुडंट्स अँड स्टुडंट्स गेट द डिस्टर्ब विथ दॅट अँड दे गेट द टेन्शन. दिस इज अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी मॅम हॅज प्रोव्हाइडेड टू अवर स्टुडंट्स बिकॉज ड्यूरिंग दिस एज पिरियड द स्टुडंट्स नो हाऊ टू कीप अ क्वाइट बिकॉज इफ एनी सिच्युएशन कम with this meditation they can feel the situation. While working in the clinical area also they are working with the patient and many time the patient's condition after seeing also they get the disturbance and with that meditation they get the relief and they know now when such a condition is there how they can cope up with the situation. And really again I'm thankful to the ma'am to giving this yoga meditation course to our students. Thank you. ओम शांती. इथे आनंद ऋषी हॉस्पिटल में 200 नर्सों का ट्रेनिंग हुआ है. इसमें भी खास करके सुधा कांकरिया मैडम तो बहुत अच्छा 7 दिन का कोर्स कराया. उसमें सभी की विद्यार्थी अपना मन की भावनाएं व्यक्त किया. सभी को आत्मा परमात्मा और राज्यों का विशेष अभ्यास कराया तो उनको बहुत ही अच्छा लगा. तो कई कई लोग अपना मनोगत भी व्यक्त किया. तो उनका मैडम भी कहा इसी राज्यों इसी विद्यार्थियों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में इसमें भी टीन एज के ग्रुप में तो अनेक प्रकार की समस्या आता है. मन की ऐसे गोंधल संघर्ष होता है तो उसी के हिसाब से राजयोगा मेडिटेशन बहुत ही सहायक है. तो बहुत ज़रूरी है इसलिए विद्यार्थी तक भी तो वो मांगनी किया है. तो इसी राजयोग अभ्यास की जो क्लासेस हुआ है ये बहुत ही लाभदायक है. तो इसीलिए तो सुधा कांकरे मैडम को बहुत बहुत ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से मैं धन्यवाद करती हूँ. ओम शांति. ओम शांति. मैं बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया महाराष्ट्र स्थित अहमदनगर शहर में आनंद ऋषिजी हॉस्पिटल है. ये कार्डियक सेंटर है. यहाँ पर डेली हार्ट के ऑपरेशन होते हैं और ये 200 से भी ज़्यादा बेडेड हॉस्पिटल है. यहाँ पे 4 आईसीयू के डिपार्टमेंट है. यहाँ पर नर्सिंग स्कूल भी चलती है और अभी थोड़े समय में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी शुरू होने जा रहा है. तो हमने राजयोग मेडिटेशन को एक कोर्स के रूप में एक सिलेबस के रूप में यहाँ इंट्रोड्यूस किया है. यहाँ जो नर्सिंग की स्कूल है वहाँ के स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी के हिसाब से सिलेबस में ही हमने राजयोग मेडिटेशन इंक्लूड किया है. जब भी नर्सिंग स्कूल की एडमिशन होती है नर्सिंग कॉलेज की एडमिशन होती है तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जैसे भी एडमिट होते हैं उनको राजयोग मेडिटेशन कंपलसरी सिखाया जाता है और रोज़ उनको प्रमोट किया जाता है कि उन्होंने कम से कम 3 बार ये राजयोग मेडिटेशन करें. तो कोरोना के होते हुए पिछले 2 साल ये थोड़ा सा रुक गया था. अभी इस वर्ष नई एडमिशन हुई है नर्सिंग कॉलेज में और सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूली एडमिटेड है उनके लिए राजयोग कोर्स जो 7 डेज का है वो 5 डेज में लिया गया और सब ने बहुत अच्छा अनुभव किया है. सबको खुद की पहचान भगवान की पहचान उनके साथ कनेक्शन कैसा जोड़ना है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कैसा करना है कर्म कैसे हमारे श्रेष्ठ होना चाहिए
और जब हम पेशेंट के साथ डील करते हैं तो हीलिंग एनर्जी स्वयं की और उनकी भी कैसे बढ़ाना, हीलिंग एनर्जी को कैसा प्रमोट करना, ये सारा ज्ञान मिलने के कारण वो स्वयं भी चार्ज होने लगे। और पेशेंट के साथ जब उनका रिलेशन आता है, पेशेंट के साथ जब सेवा करनी होती है, तभी भी विदाउट टेंशन वो करने लगे, ये उन्होंने उनके अनुभव में कहा। और यहाँ नर्सिंग स्कूल के जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है, उन्होंने भी ये राजयोग मेडिटेशन का कोर्स किया, उन्होंने खुद के अनुभव भी कहे और जो स्टूडेंट्स में बदलाव हुए हैं वो भी कहा है। तो राजयोग मेडिटेशन ये ऐसी एक विधि है जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने सीखी है, जो आत्मा रूपी बैटरी इस कलयुग के समय में डिस्चार्ज हुई है उसको चार्ज करते हुए स्वयं का और सर्व का विकास और स्वयं को और सबको सुख शांति की अनुभूति कराने वाला ये कोर्स है। और इस कोर्स को सिलेबस के अंदर ही इंक्लूड करने के कारण ईच और एवरी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलता है। मैं आशा करती हूँ कि जैसे आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल के नर्सिंग कॉलेज में एक सिलेबस के रूप में राजयोग मेडिटेशन ऐड किया है, वैसे महाराष्ट्र में, भारत देश में जहाँ जहाँ नर्सिंग स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उन्होंने भी उनके सिलेबस में ही ये राजयोग मेडिटेशन ऐड करना चाहिए, जिसके कारण स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, माइंड पावर बढ़ेगा, हीलिंग पावर बढ़ेगा और पेशेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होती है, पेशेंट की जो सेवा करते हैं और इमरजेंसी में हलचल होने की संभावना होती है, पैनिक होने की संभावना होती है, वो होगा नहीं। मन अचल अडोल स्टिल स्टेबल स्ट्रांग होगा और वो अच्छी सेवा कर पाएंगे, उनके भी जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त कर पाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ परमपिता परमात्मा को, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया, आपके ज्ञान से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है और सबके जीवन में सुख शांति आनंद आ रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया।